सोलो गाइस वेलकम टू माय ट्यूटोरियल टेक्निकल अजमेर चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों, अगर आप लोग रियलमी का C65 5G फोन यूज करो, रियलमी C65 5G फोन में पावर बटन पे अगर आप लोग लॉक लगाना चाहते हो एंड जैसे आप लोग पावर ऑफ करने जाओगे आपके फोन में एक पासवर्ड मांगेगा, जो कि यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास फोन है स्मार्टफोन एंड मैंने फोन को लॉक कर रखा है। अब पावर बटन पे लॉन्ग प्रेस करता हूँ, जैसे मैंने लॉन्ग प्रेस किया एंड पावर ऑफ करने का ऑप्शन आ चुका है। एंड जैसे मैंने यहाँ पर डाउन करता हूँ एंड मेरे फोन में एक पासवर्ड एंटर करने को बोल रहा है। जब तक मैं इस पासवर्ड को एंटर नहीं करूंगा यहाँ पर, तब तक मेरा फोन यहाँ पर पावर ऑफ नहीं होगा, ना ही स्विच ऑफ होगा। तो ये रिक्वायरमेंट होता है जब अपने फोन को पावर ऑफ करने जाओगे, अगर आप लोग के पास रियलमी का C65 स्मार्टफोन है। अगर आप लोग रियलमी का C65 स्मार्टफोन यूज करो तो ये चीज आप लोग को देखने को मिल जाएगा कंप्लीटली। अगर आप लोग अपने फोन को स्विच ऑफ करने जाओगे तो एक पासवर्ड एंटर करने को बोलेगा। तो ये चीज आप लोग कैसे अपने फोन के सेटिंग के अंदर से इनेबल करना है एंड कैसे यूज करना है मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कर लेना एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो चलते हैं स्क्रीन पर और आप लोग को चलकर बता देते हैं। तो फाइनली दोस्तों साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। अब दोस्तों अगर आप लोग रियलमी का C65 5G स्मार्टफोन यूज करो, इस फोन में आप लोग पावर ऑफ तो करोगे ही करोगे। जब आप लोग पावर ऑफ करोगे तो आप लोग पासवर्ड को सेट कर सकते हो उस पर। जैसे ही स्विच ऑफ करने जाओगे आपके फोन में पासवर्ड का रिक्वायरमेंट होगा। जब तक पासवर्ड को एंटर नहीं करोगे तब तक आपके फोन में ये चीज होगा ही नहीं, स्विच ऑफ होगा ही नहीं। एंड कंप्लीटली इस सेटिंग को कैसे इनेबल करना, फाइनली आपको आना है अपने फोन के सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर आने के बाद फाइनली आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिल जाता है। अब नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है, नीचे आओगे तो आपके फोन में एक फीचर्स मिल जाता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे इस पे क्लिक करते हो कंप्लीटली, सॉरी दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो उसके बाद आपके पास कंप्लीटली इस तरीके का सेटिंग मिल जाता है। नीचे आपको आ जाना है, नीचे आओगे तो आपके फोन में एक फीचर्स मिल जाता है यहाँ पर मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का ऑप्शन। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो कंप्लीटली नीचे आपके फोन में स्क्रॉल करके आ जाना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, एप्स, कॉन्टेक्ट एंड यहाँ पर आपको प्राइवेसी, पासवर्ड एंड यहाँ पर आपको एंड्रॉइड सिस्टम एंड यहाँ पर आपको नीचे मिल जाता है पेमेंट वाला ऑप्शन एंड यहाँ पर अनलॉक या सिम लॉक का ऑप्शन। उसके नीचे सिम लॉक के नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा रिक्वायर पासवर्ड तो पावर ऑफ का ऑप्शन। इस वाले ऑप्शन को आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे आपने क्लिक किया यहाँ पर मेरे फोन में पहले से इनेबल है, आपके फोन में हो सके इनेबल ना हो। तो यहाँ पर आपके फोन में इस तरीके मिलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। आपके फोन में इस तरीके से ऑफ देखने को मिल सकता है। अगर आपके पास रियलमी का C65 फोन है तो आपको ऑफ देखने को मिल सकता है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, फीचर्स को ऑन करना है एंड इस तरीके का पासवर्ड मांगेगा, इस पासवर्ड को आपको एंटर करना है। अब एंटर करके आपको दिखाता हूँ, मैंने एंटर कर दिया, यहाँ पर मेरा फोन यहाँ पर देख सकते हो इस सेटिंग हमारे फोन में इनेबल हो चुका है। तो पासवर्ड एंटर करोगे आपके फोन में सेटिंग इनेबल हो जाता है कंप्लीटली। यहाँ पर बताया गया सेट योर डिवाइस तो रिक्वायर द लॉक स्क्रीन पासवर्ड योर, यहाँ पर आपको पावर ऑफ एयर यहाँ पर आपको मिल जाता है डिवाइस यूजर्स द पावर ऑफ बटन गूगल असिस्टेंट डिस्कनेक्ट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको डिवाइस फ्रॉम द, जो भी अगर आप लोग पावर ऑफ करने जाओगे ये चीज आप लोग को यहाँ पर बताया गया है कंप्लीटली। आप लोग रीड भी कर सकते हो तब आप जाकर ऑन कर सकते हो। अब यहाँ पर ये फीचर्स को इनेबल करने के बाद फाइनली आपको ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। एंड इसमें क्या होता है कि आपने अपने फोन को जब पावर ऑफ करने जाओगे आपके फोन में पासवर्ड मांगेगा, एक पासवर्ड का रिक्वायर होगा। अब जैसे कि मैंने यही फोन आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पर लॉन्ग प्रेस कर रखा, मैंने लॉक कर दिया फोन को। अब मैंने यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करता हूँ पावर बटन पर, जैसे मैंने लॉन्ग प्रेस किया यहाँ पर एक पावर ऑफ करने का ऑप्शन आ चुका है। अब मैंने यहाँ पर पावर ऑफ पे क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पर एक पासवर्ड इंटर करने को बोल रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कंप्लीटली। आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, इसमें क्या होगा मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में क्या होने वाला है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर इस फोन को यहाँ पर फिर से पावर बटन पर लॉन्ग प्रेस करता हूँ, अब यहाँ पर रिक्वायर मांगेगा, जब आप लोग रिकॉर्ड रिसेट करने जाओगे तब भी आपको पासवर्ड मांगेगा। तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर कुछ नहीं करना, फाइनली अपने फिंगरप्रिंट वाला लॉक यहाँ पर है तो आपको लॉक को क्लिक करना है, आपका फोन पावर ऑफ हो जाएगा कंप्लीटली, पावर ऑफ हो जाएगा। आप देख सकते हो अब ये फोन आपका पावर ऑफ होने के बाद ऑन हो जाएगा कंप्लीटली, पावर ऑफ हो जाएगा इस तरीके से। अब इसमें क्या फायदा होने वाला, जैसे कि अगर आपका फोन कहीं पर गुम हो जाता है या गिर जाता है, कोई बंदा चोरी भी कर लेता, तो ये फायदा आपका होने वाला है, आपके लिए बहुत ही बढ़िया सेटिंग होने वाला।
इससे क्या होगा कि बंदा अगर आपका फोन चोरी करेगा तो फाइनली पावर ऑफ तो करने जाएगा, पावर ऑफ करने जाएगा तो पासवर्ड रिक्वायर होगा, पासवर्ड तो उसे पता नहीं होगा, ना ही आपका फिंगर वो लगा सकता है, तो यहां पर आपका फोन स्विच ऑफ नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा कि आपका फोन जल्दी ही आपको मिलने वाला है एंड आपका फोन ट्रैक आप कर पाओगे आसानी तरीके से, ना ही आपके फोन को वो रिसेट कर सकता है, ना ही आपके फोन को स्विच ऑफ कर पाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, अपने फोन में जाकर इनेबल कर सकते हो। Realme के C65 5G फोन फाइनली दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के एंड प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।